सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा दोनों की, दोनों इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको देखने को मिले होंगे और आपके लिए एक और सरप्राइज और एक और शानदार ट्रेवलिंग ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अब इस ब्लॉग में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने चौथ माता से शिवाड़, जो कि जो 12वें ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन और फैक्ट बताते हैं कि इसमें शिवाड़ में और साथ ही दोस्तों अपने औरंगाबाद में जो शिवलिंग है घृष्णेश्वर महादेव, इन दोनों की दोनों में कन्फ्यूज़न है कि 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है। लेकिन दोस्तों, ये तो देखो विद्वान ही जाने, ये हम उन पर छोड़ देते हैं। हम तो भैया एक शुभ यात्रा पे और भोले बाबा को मनाने के लिए भोले बाबा के चरणों में शिवाड़ में हम चल दिए। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो शिवाड़ है, शिवाड़ ज्योतिर्लिंग आपके यहाँ से चौथ माता से 16 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। तो दोस्तों, देखते ही देखते चिलचिलाती दोपहर में हम अपने पूरे के पूरे परिवार, हनु मम्मी पापा और चीनू और साथ में मैं खुद और मेरी सिस्टर को लेते हुए गाड़ी से मैं निकल गया। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे शिवाड़ पे जब मैं पहुँचा तो कंडीशन ऐसी कि दोस्तों यहाँ पे चिलचिलाती दोपहर ही पड़ रही थी, लेकिन दोस्तों साथ में जो हरियाली थी वो देखते ही बन रही थी, क्योंकि आप पूरे के पूरे ब्लॉग में देख सकते हो कि चारों तरफ हरियाली है और ऊपर आपको जो वीडियो में ये पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ पे विराजमान है हमारे भोले बाबा और इस पहाड़ को गिरी पर्वत कहा जाता है। और जिस तरह से शिव पुराण में भी मान्यता है कि इसी गिरी पर्वत पर जो घृष्णेश्वर महादेव हैं वो विराजमान है। तो दोस्तों, देखते ही देखते इस पहाड़ी का पीछा करते करते हम लोग घृष्णेश्वर महादेव की ओर चल दिए। रास्ता सिंगल रोड था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ी परेशानी थी। अब दोस्तों, अगर देखें अगर इसकी क्या पूरी की पूरी हिस्ट्री है और किस तरह से घृष्णेश्वर महादेव का शिवलिंग बना था, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मैंने पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे थक हार के पापा थोड़े से अपने सर को भी खुजला रहे थे और साथ ही वो इधर उधर देख भी रहे थे। अब देखते ही देखते दोस्तों हम शिवाड़ में एंट्री कर रहे थे और शिवाड़ में हमने जैसे ही एंट्री की, यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड देखा और शिवाड़ का किला भी सामने नज़र आता हुआ दिख गया। और सामने जो केशोली के फूल हैं वो यहाँ की जो जो मनोरम दृश्य है उसको बहुत अच्छा कर रहे थे। और दोस्तों, अगर हम इस शिवाड़ के शिवलिंग की बात करें तो दोस्तों ये सबसे छोटा शिवलिंग है, जो कि 240 फीट लंबा और 185 फीट चौड़ा है। और मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर ये स्थित है। गर्भगृह उत्तर दिशा से 4 फीट के नीचे है और गर्भगृह 17 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा है, जिसमें भगवान पूर्वमुखी विराजमान है और गर्भगृह के बाहर नंदी भी विराजमान है, क्योंकि दोस्तों शिव जी के बाहर तो नंदी जी रहते ही रहते हैं। अब हम जैसे ही इस मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, मंदिर के अंदर एंट्री करते ही सीधा हमें सामने पहाड़ दिख गया और पहाड़ दिखने के साथ में हमें जो गिरी पर्वत है उस पर 12 की 12 ज्योतिर्लिंग भी नज़र आ ही गए। अब दोस्तों, अब यहाँ पे चढ़ते हुए आगे पहुँचे और आगे जाकर हम सीधे के सीधे मंदिर के अंदर एंट्री कर गए। हम जैसे ही मंदिर में हमने प्रवेश किया तो चिलचिलाती दोपहर में गर्मी बहुत लग रही थी, लेकिन भैया यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही थी वो ये कि अंदर जाके मन को जो सुकून है वो एक अच्छी प्रकार का ही मिल रहा था, यानी कि इतनी शांति शायद हमें पहले फील नहीं हुई थी। और यहाँ पे हमें शुरुआत में महादेव जी के दर्शन हुए और रात के टाइम तो यहाँ का एक बेहतम दृश्य हो जाता है, लेकिन बारिश के टाइम पे और सावन के मौसम में ही यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलती है। हनु अपनी बुआ की गोदी में ऊपर तौलिया सर पे ओढ़े हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी थी और गाड़ी में गर्मी से जैसे एसी में आप एसी से अपन बाहर आते तो भाई अपने को थोड़ी तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए उसको उड़ा रखा था। फिर हम यहाँ पे कुछ शॉप्स को देखते हुए, क्योंकि यहाँ एंटीक चेयर, रुद्राक्ष माला, सारी चीज़ें मिल रही थी, उनको देखते हुए हम यहाँ पे अंदर पहुँच गए। और हमने अंदर गए तो भाई हनु भी यहाँ पैदल चलने लग गया और जाकर के देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि भाई मैं कहाँ पे आ गया, क्योंकि अभी तो वो छोटा सा है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम शिवाड़ ज्योतिर्लिंग में हमने एंट्री की। एंट्री करने के बाद गाइस, हम यहाँ पे जो शिवाड़ ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल एकदम खाली था, क्योंकि गर्मी का मौसम है और वार तो यहाँ पे सोमवार था, शिव जी का वार था, लेकिन उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था हमें पूजा करने के लिए। इतने में ही हमारे पास एक पंडित जी आए और हमें पूजा करने के लिए पूरी की पूरी विधि की हमसे बात की। तो दोस्तों, जो विधि की बात है उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, और इस क्लास में देख पा रहे होंगे कोविड के बाद यहाँ पे शिवलिंग को टच करना पूरी तरह से मना हो गया है, और इस कांच में यहाँ पे आप शिवलिंग को जो ब्लैक कलर का है इन सर्फ के नीचे जो दिख रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों हम से जो पंडित जी हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें और मंगाई पूजा के लिए, और साथ ही आप देख पा रहे होंगे शिवाड़ शिवलिंग में ये बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति और बाहरी नंदी भी विराजमान है। और सामने आप अपन देखते हैं
तो यहाँ पे जो 12 का 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी सारी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। साथ में शिवजी का भी एक स्थान बना हुआ है, क्योंकि शिवाड़ अभी या शिवजी का पूरा पूरा आचम है, घर है, तो भाई यहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे मंत्रों के साथ पूरा का पूरा पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी पूजा में हनु ने बहुत ज़्यादा श्रद्धालु की थी, क्योंकि तो उसके साथ ही पहला एक्सपीरियंस था पूजा का, और वो समझता भी नहीं इतना कि पूजा कैसे होती है क्या होती है, लेकिन हाँ उसने श्रद्धालु तो खूब की, रोया भी तो उधर भाग भी रहा था तो भाग रही थी। लेकिन उसके बाद जब पूजा कंप्लीट हो गई उसके बाद वो पूरे के पूरे मंदिर में इधर उधर देखने लगे, क्योंकि मंदिर खाली था और वो हमारी आँखों के सामने ही था, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। फिर हम इधर उधर पूरे के पूरे मंदिर में दर्शन करने लग गए, पंडित जी ने हमसे जो जल था वो लिया था, पूरे के पूरे शिवलिंग पर अर्पित भी कर पाया। उसके बाद हमें ले जाके फूल माला भी दी, और उन्होंने कार तो ऑलरेडी ले ही रखी थी, तो कार लेके और घूमना शुरू कर दिया उसने। अब हम शिवाड़ में पीछे चल दिए इस
मंदिर के पीछे, क्योंकि वहाँ पीछे श्याम बाबा का नया मंदिर बना था। और गाइस जो मंदिर था उसके बारे में तो क्या कहूँ, इतना मनमोहक दर्शन था कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ श्याम बाबा को निहारते ही रह गया। और आप भी देखो श्याम बाबा के दर्शन कीजिए और आपके दिल में जो भी विशेष है वो मांगिए, और साथ में जैसे श्याम का कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके दिल की जो मन्नत है और मनोकामना है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। साथ ही आप देखिए जो मंदिर है कितना प्यारा और कितना शानदार बना है, ऊपर की जो फॉल सीलिंग है उसका आप मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। साथ ही जब आप सामने श्याम बाबा की तस्वीर देखोगे तो आप पाओगे कि दोस्तों वहाँ पे आप जो भी फरियाद लेके आए ऐसा लगता है कि दिल से वो सारी की सारी पूरी होने जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे इतनी मन को सुकून और शांति मिल रही है कि हम सारे के सारे परिवार के साथ यहाँ पे आके बैठ गए और हम काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ आशीर्वाद लिया, उनका श्याम बाबा का प्रसाद भी लिया और जो भी चढ़ावे के तौर पर जो हमसे बन सकता है वो हमने चढ़ावा भी यहाँ पर चढ़ाया। तो गाइस आप भी अगर शिमाड़ जाओ तो यहाँ पे श्याम बाबा के पीछे जाकर दर्शन जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको शांति भी मिलेगी और साथ ही श्याम बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और एक ही जगह पे अगर आपको और भी भगवान के दर्शन हो जाए तो उसके तो कहने ही क्या। फिर उसके बाद हम यहाँ से बाहर की साइड निकल लिए। बाहर निकलने के बाद पापा आगे आगे जा रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और यहाँ पे जाके एक बार फिर हमने सारे के सारे जो देवी देवता है वहाँ पे जितने भी मंदिर बने हुए हैं सबका हमने मत्था टेक करके प्रणाम किया, सबको हमने सभी भगवान को हमने हाथ जोड़ के नमन किया। और उन सबको प्रणाम करने के बाद हम लोग आगे की साइड मंदिर में और आगे घूमते गए। और आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं और बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ हैं, इतनी मनमोहक है कि आप मंदिर के जिस भी कोने में जाओगे आपको एक शांति और अद्भुत शांति प्रतीत होगी। और दोस्तों हम चाहते तो ये भी थे कि हम जाकर के यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक 12 खम्भा बने हुए हैं तो दोस्तों उन पे भी जाकर के हमें पूरी परिक्रमा दी और पूरा पूरा देखी। यहाँ पे भी एक इतिहास है पूरा का पूरा कि यहाँ पे किस तरह से शिवलिंग को बचाने के लिए रानी ने कुर्बानी दी थी। और यहाँ पे ऊपर गिरी पर्वत पे जाने के लिए रास्ता था लेकिन हम वहाँ पे गए नहीं, क्योंकि गाइस वहाँ पे भी गर्मी बहुत हो रही थी। अगर शाम के टाइम हमारा शिवाड़ जाना होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों ये हमारी शिवाड़ की ट्रिप थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के अच्छे अच्छे मोटिवेशन और धार्मिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ट्रेवलिंग ब्लॉग में लाते हैं लाता ही आपके सामने।